ये फंगस इन्फेक्शन म्यूकर नाम के फंगस की होती है, और फंगस इन्फेक्शन होती है तो उसको हम म्यूकर माइकोसिस कह देते हैं। माइकोसिस का मतलब फंगस की वजह से जो प्रॉब्लम हो, फंगस फफूंद है जो कि वेट जगह पे घरों में भी लग जाती है फंगस। तो म्यूकर एक फंगस है, ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है लगभग वेट सरफेस होता है वहाँ पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिज़ीज़ में यह है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज़ के मरीज़ों में होती है। डायबिटीज़ नहीं है तो बहुत अनकॉमन है कि म्यूकर माइकोसिस हो। सुनने में आया है कि कुछ एरियाज़ में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो कोविड से ठीक हो गए, कोविड चल रहा था उनको म्यूकर माइकोसिस हुआ, लेकिन ये भी याद रहे कि ऐसी बहुत बड़ी कोई आउटब्रेक हो रही है ऐसा भी नहीं नज़र में है। वॉच कर रहे हैं और अपने तरीके से इसका सर्वेलेंस हम कर रहे हैं, तो रीअश्योर करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तरीके से कोई आउटब्रेक हो गई, ऐसा नहीं है। और प्रिकॉशंस लेंगे तो नहीं होगी, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। सो फंगस है, इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज़ की कंडीशन के साथ है। जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, डायबिटीज़ पूरे शुगर लेवल अच्छी तरह से हाई होते हैं जैसे आपको मालूम है शुगर के, तो अगर वो नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आए, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो म्यूकर अटैक करता है। इसके अलावा अगर ये मरीज़ डायबिटीज़ के, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात पहले मैं कर रहा हूँ, फिर कोविड पे आता हूँ, अगर उनको कोई बीमारी हो गई, उनको दवाइयाँ ऐसी मिल रही हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, इम्यूनो सप्रेसिव स्टेरॉयड मिलें, उनके और कोई डिसीज़ अंदर आए, मान लीजिए कैंसर भी हो गया साथ में, तो इम्यून सप्रेशन होता तो इस डिसीज़ का प्रभाव उस डायबिटीज़ के पेशेंट में बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर इन पेशेंट्स में ऐसा एक्सपोजर हो जो वेट सर्फेसिस हैं उनका एक्सपोजर बढ़ता है, तो ये और भी थोड़ा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये फंगस जो है वो वेट सर्फेसिस पर रहता है। तो तीन फैक्टर्स लेके चलते हैं, डायबिटीज़ का होना, इम्यूनो सप्रेशन का होना, यही काफ़ी होता है इस बीमारी का प्रभाव आने के लिए। ज़रूरी नहीं कि कोविड हो, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन मिले, ये याद रहना चाहिए। ये बीमारी इट वेल नोन, डायबिटीज़, इम्यूनोसप्रेशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, म्यूकर माइकोसिस कैन हैपन, बट व्हेन इट मूव्स टू द सिचुएशन ऑफ कोविड 19, देन यू मस्ट रिमेंबर देर आर टू अदर एलिमेंट्स कमिंग टू पिक्चर। वन, दैट वी आर यूजिंग ड्रग्स दैट सप्रेस इम्यून सिस्टम, सो वी आर यूजिंग अ क्लास ऑफ ड्रग्स विच इज लाइफ सेविंग, स्टीरॉयड्स बाय द नेम ऑफ डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसलोन, मिथाइल प्रेडनिसलोन, डेक्सोना, ये एक ही रिलेटेड कंपाउंड है। जब ये इस्तेमाल होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है, डायबिटीज़ वाले का भी कम होगा, और ये फंगस मौका पाके पकड़ती है। इसके अलावा जब इसी कोविड के मरीज़ को ऑक्सीजन मिलती है तो ह्यूमिडिफायर होता है, उसमें पानी होता है, उसमें कलेक्शन होने से फंगस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन याद रहे कि ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है म्यूकर को आने के लिए। जैसे मैंने शुरू में समझाया कि डायबिटीज़ है उन पेशेंट्स में आ जाता है, उनमें कोई बीमारी होती है, कमज़ोरी आती है, दवाइयाँ मिलती हैं तो आ जाता है, लेकिन जब ये तीसरा भी कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो ऐसे कोविड में, क्योंकि ये होता है तो ये कोविड में उभर के शायद कुछ जगह पे इसका इंसिडेंस आया है। स्टीरॉयड के अलावा हम जो दो दवाइयाँ या एक अनदर क्लास ऑफ मेडिसिन जिसके दो दवाइयों के नाम आप सुने होंगे, टोसिलाजुमैब और इटोलिजुमैब, इस तरह के जो कंपाउंड हैं, जब ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, भले ही ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इन दवाइयों का भी, टोसिलिजुमाब का भी, ओटोलिजुमाब का भी, इम्यूनो सप्रेशन, इम्यून सिस्टम को दबाता है जान बचाने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम की रिस्पांस की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर और जान का खतरा होता है। तो उससे हम बचाने की जब कोशिश करते हैं दवाइयों से, तो हम अपना इम्यून सिस्टम कम कर देते हैं, डायबिटीज़ पहले है, स्टीरॉयड शायद पहले मिल चुका है, इससे और इम्यून सप्रेशन हो गया, तो फिर म्यूकर माइकोसिस उभर के फिर आता है।
तो इन द सेटिंग ऑफ कोविड 19 इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इन द प्रेजेंस ऑफ द यूजेज ऑफ दीज मेडिसिन एज वेल एज एक्सपोजर टू ह्यूमिड सर्फेसिस द टेंडेंसी टू हैव मोर म्यूकस इज एक्सप्लेनेबल हो सकती है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसी नहीं है कि ज़रूर होनी चाहिए. क्या हमें करना है? हमें यह करना है कि हमेशा ही जिसको डायबिटीज़ है उसको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है, हमेशा ही. कोविड की वेट नहीं करनी है. कोविड नहीं भी होगा तो भी ज़रूरी है कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में हो, तभी सेहत बचेगी, किडनीज बचेंगी, हार्ट बचेगा. तो पहला तो ये मुद्दा है कि और कोविड के परिप्रेक्ष्य में तो इसके ऊपर हमारी ज़्यादा नज़र होनी चाहिए. दूसरा है कि हम प्रमोट कर रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा कि स्टीरॉयड दिए जाएं, लेकिन स्टीरॉयड फालतू में शुरू में ही नहीं दे देने, सातवें आठवें दिन तक देने हैं, छठे दिन के बाद देने हैं, बहुत इनअप्रोप्रिएट डोज में नहीं देने हैं. जो पीरियड डिफाइन किया जाता है 5, 7, 8, 10 दिन का, उतने तक ही देने चाहिए, आगे तक नहीं देते रहना चाहिए. रैशनल यूज़ होना चाहिए, स्टीरॉयड जैसी जान बचाने वाली दवाई का रैशनल यूज़ होना चाहिए. ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा तो इस सिचुएशन तो है ही, दूसरों को भी इल इफ़ेक्ट होता है. इसी तरह से टोसिलिज़ुमैब वाली जो दवाई है वो तभी दी जाए जब इसकी ज़रूरत है, बिल्कुल फालतू नहीं देनी चाहिए, डेंजरस हो सकती है. और भी कई खतरे हैं, उसमें से एक ये खतरा भी है. तो हमने रैशनल यूज़ ऑफ दिस मेडिसिन करना. तीसरी चीज़ कि जब ऑक्सीजन मिले तो जो ह्यूमिडिफायर है उसका पानी साफ़ हो, पानी बदलता रहे, पानी टपकता ना रहे, इसका हमें ख्याल रखना है. चौथा ख्याल रखना है कि जो मरीज़ है वो साफ़ सुथरा हो, उसका हाइजीन हो, हाथ भी साफ हो, बॉडी भी साफ हो, फालतू में वेट नहीं हो, सिक्रेशंस उसके फेस पे नहीं हो. ये चौथी चीज़ है जिसका कि हमने ख्याल रखना है. पांचवा ख्याल हमने ये करना है कि अगर कोविड के ट्रीटेड पेशेंट को नाक में रुकावट दिखती है, बाद में कोई स्वेलिंग सूजन महसूस हो रही है या मुंह में अल्सर आ रहा है, मुंह में अल्सर पैदा हुआ है, कटा हुआ दिख रहा है, नया कोई चीज़ आ गया है अंदर मुंह में, तो उसको जल्दी से इन्फॉर्म करना है. और उसके बाद इसका इलाज होता है, वो दवाइयाँ अच्छी तरह से उपलब्ध हैं. एम्फोटेरिसिन बी नाम की एक दवाई होती है, इंट्रावीनस दी जाती है, इफ़ेक्टिव है. और कभी कभी जो सूजन अंदर बन जाती है नाक में या नाक के और अंदर, उसको निकालने के लिए हम सर्जिकल प्रोसीजर से भी निकालते हैं. तो कहने का मतलब है कि इलाज भी होता है. इलाज टाइम पे शुरू होगा तो अच्छा इलाज होगा. तो हमें इस बीमारी के बारे में हमने उचित समझा कि ये समझाया जाए कैसे ये बच सकते हैं. और मेरी विनती होगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, डॉक्टर्स के साथ, कि जो इन चीज़ों की वजह से ये प्रीडिस्पोज होता है, जहाँ तक भी हो सके इसे हम बचें. और इस उपलक्ष्य में नेशनल टास्क फोर्स ने और गवर्नमेंट ने टोसिलिज़ुमैब की डोज को एडजस्ट किया है हमारे नए प्रोटोकॉल में, ताकि इन चीज़ों के खतरे जो हैं वो कम हो पाएँ. जो हमारी मॉडिफाइड लोअर डोज है उसको लेना चाहिए. अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ ब्रीफली.